तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जो पार्ट 3 था कि हमें कैसे अपनी लाइट को अनफ्रेम करना है, लाइक इस वाले पार्ट को इस पार्ट से अलग कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम करेंगे इसमें लाइट इंस्टॉलेशन, ब्रेक लाइट लगने वाली है और जो DRLs रात को जलते हैं ऑल द टाइम हेडलाइट के साथ, वो भी इंस्टॉल करेंगे इसी के अंदर, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ हम इंस्टॉल करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरी प्रीवियस लाइट्स थी वो अभी भी गाड़ी में लगी हुई है, तो आपको एक इमेज के थ्रू मैं उसका लुक दिखा देता हूँ। अब मैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी आउटडेटेड भी हो गई है और आप लोगों ने इतना टाइम वेट किया है, जैसे 5 महीने लग गए हैं मुझे अभी तक इस वीडियो को लाने में। रीज़न यार ये था कि इसका मटेरियल नहीं मिल रहा था, जो शीट मैंने यूज़ की थी अभी मैं दूसरी शीट लाया हूँ, ये देखिए मटेरियल है, तो इसकी भी डिटेल आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे कैसे कहाँ यूज़ होगी। तो ये मटेरियल मिल नहीं रहा था, जो मिल रहा था वो पूरा रोल मिल रहा था और पूरा रोल को मेरे लिए कोई फायदे का नहीं था, कम से कम 10 to 12,000 का रोल मिल रहा था, तो इतना एक्सपेंसिव रोल लेने का सिर्फ इतने से पार्ट के लिए मुझे सेंसिबल लगा नहीं, तो इसलिए मैं छोटे से पार्ट को ढूंढ रहा था जो कि अब मुझे काफ़ी टाइम बाद मिला है। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी प्रीवियस लाइट, आप इमेज के थ्रू तो देख पा रहे हैं बट उसमें लगा हुआ क्या था। अगर आपको वैसी बनानी है तो उसके लिए भी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का उसके अंदर LED का लगा हुआ था, तो इस तरह से ब्रेक लाइट मैंने बनाई थी जिसमें आपको ऐसे 3 का सेट मिलता है जिसमें LED लगी रहती है, मॉड्यूल होता है 1, 2, 3 ऐसे मैंने पेस्ट की थी, 3 नीचे हैं, 1, 2, 3 ऐसे LED मैंने पेस्ट की थी, तो वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया। तो मैं इसका जो लुक है थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। विद अ डिफरेंट लुक, तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी एक ब्रेक लाइट लगाने के लिए, जो मैं पहले वाला डिज़ाइन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले वाले डिज़ाइन में क्या था गाइस, यहाँ पे एक L की शेप था, इमेज में आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे एक L बना हुआ था, बीच में ब्रेक लाइट है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट को मैंने इंडिकेटर एंड बैक रिवर्स लाइट के लिए यूज़ किया था। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लाइट रखेंगे, यहाँ पे DRL रखेंगे रात को जलने वाले, बट L शेप ना इस बार अलग करेंगे क्योंकि पिछले वाले में मैंने यहाँ तक L बनाया था, तो वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, और जैसे कि मैं पूरा डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नया मिले, इतना वेट किया आप लोगों ने। तो अभी देखो सबसे पहले मैं लाया क्या हूँ, मैं लेके आया हूँ एक वाइट LED स्ट्रिप, ये देख सकते हैं, इसको हम चेक करते हैं, तो देख सकते हैं पूरी वाइट LED स्ट्रिप में लेके आया हूँ। सो इसको अब हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, इसको हमें तो ब्रेक लाइट यूज़ करने वाले, तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, तो मैं इसको इतना कट कर लूँगा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक निशान भी दिखेगा जो कट करने वाला होता है, यहाँ पे सीजर बनी हुई है, तो इसको यहाँ से हम सीजर से कट कर देंगे, ठीक है। इतना पार्ट हमारा अलग हो चुका है, तो मैं इसको भी आपको ग्लू करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का इसका फाइनल लुक आता है। तो इसको करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक होल करेंगे हम। तो रीजन ये होल करने का कि हमें यहाँ से इसकी वायर्स को निकालना है, रखते हैं ये देखिए, वायर्स को निकालते हैं साथ में, पहले फिर पेस्टिंग के लिए सिंपल हमें क्या करना है, इसके पीछे डबल साइडेड टेप होती है, इसको रिमूव करना है, आपको दिखाता हूँ करके, जस्ट ये वाली टेप को रिमूव करना है, देख सकते हैं ऐसे ऐसे आप रिमूव करेंगे और आप पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले एज से, सो गाइज मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि आप लोगों का टाइम बचे।
सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स को मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे हल्का सा होल करके वायरिंग को निकाल दिया है। पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कट आउट करके वायर्स को निकाल दिया है। तो इसके पीछे क्या होती है, डबल साइडेड टेप होती है, जैसे ये देख सकते हैं ब्लू ब्लू सा मैंने हटाया हुआ है, इसको हटाएंगे तो अब इजिली पेस्ट हो जाती है। तो दोनों को साथ साथ मैंने चिपका दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है कि एक शीट ली है, पीवीसी शीट, इसी की वजह से हमारी वीडियो काफी डिले हो रही थी, बिकॉज ये शीट नहीं मिल रही थी और अभी भी जो एक्चुअल मटेरियल लगता है वो नहीं मिला है। वो होती है सन डिफ्यूजिंग लाइट शीट, यानी कि लाइट डिफ्यूजिंग शीट होती है, जिससे थोड़ी सी लाइट की ग्लो अच्छी आती है, बट इससे भी अपना काम परफेक्टली हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो अभी हमें करना क्या है, इसके लिए हमें इसका कटआउट पीस निकालना है, जैसे कि मैंने निकाल लिया, जिसकी फ्रेम बनाना है हमें इसके ऊपर, जो हमारा ये इतने वाला पार्ट है। तो पहले मैंने जो बनाई थी उसमें एल यहाँ से लेके यहाँ तक एल था, इस ब्रेक लाइट के ऊपर तक, तो ये वाला पार्ट पूरा कट आउट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। वो वाला डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बता रहा हूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, क्योंकि जैसे आप इमेज में भी देखे होंगे, देखी होगी आपने इमेज, उसके अंदर जो डिज़ाइन है वो एल ऐसे है, तो अगर आप गाड़ी में जब लाइट लगती है ना, तो वो एल बाहर की साइड बनता है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए, अब हम क्या करना है, सिंपल वापस हमें एक एलईडी स्ट्रिप को काट लेना है, ठीक है, इसके अंदर वायरिंग कर लेंगे हम। वायरिंग करने के बाद इसके ऊपर ये फ्रेम बना चुके हैं। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मैं टाइमली प्रोवाइड करता रहूँगा, बस आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एलईडी ग्लो करके वापस से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसा फाइनल लुक आया दोनों को ग्लो करके। अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कैसा लुक इसका आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलईडी ग्लो हो गई है हमारी, अगर हम दोनों को करेंगे तो मैं दोनों का भी दिखाता हूँ आप लोगों को, इफ़ेक्ट है, तो रात को भी प्रॉपर गाड़ी में लगा के भी दिखाऊंगा। अभी हम ऊपर वाला करते हैं। एलईडी को पेस्ट करने के बाद हमारा जो फ्रेम कटा हुआ था इसको रखेंगे, और अब इसके ऊपर इसको रख देंगे। तो अब हम चेक करते हैं इसकी लुक कैसी आ रही है, तो अभी हम इसको ग्लो करके देखते हैं। ये देखो, अब इसमें लुक तो आ गई, इसमें शेप भी बनाएंगे, शेप भी मैं बनानी सिखा दूंगा, बट एक इशू है इसके अंदर, जैसे आप इसे हटाएंगे, ये इसके अंदर के जो रिफ्लेक्टर्स है ना, लाइक जो अंदर का ये लुक है पूरा, ये देखो अगर आप देखें क्लियरली विजिबल है, तो ये वाली शीट में ये इशू आता है। बट अगर आपके पास सनलाइट वाली शीट, जो मेरे पास पुराना पार्ट पड़ा कर ये होगी, तो देखो इसमें विजिबल नहीं होता अंदर का, इसमें सिर्फ ग्लो आती है और इसमें सीधा में शेप बनानी होती है, देखो डिफरेंस। तो ये हमारे पास है नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और ये मिलती भी, इसमें एक और साइड इफेक्ट है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हार्ड होती है, ये देखो ये बहुत हार्ड है, और ये वाले देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, ये देखो। तो इसको करेंगे और इसको इसके जैसा बनाएंगे, उसका भी स्टेप बताऊंगा। तो अब हमें करना क्या है, किसी भी एल्फी या फिर फेविक्विक की हेल्प से इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बस जस्ट सिंपल प्लेस कर देंगे इसको और पेस्ट कर देंगे। तो अभी मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्टिंग के लिए ना हल्का सा हमें इसे रफ करना होगा, ये देखो, तो ये एमरी पेपर है, इससे आपको इस एरिया को रफ कर लेना है, ठीक है। डालने के बाद हमें इसको पेस्ट करना है, सो इसकी प्लेसमेंट करेंगे हम, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, ब्रेक के लिए अपना कंप्लीट हो चुका है, नीचे इंडिकेटर जो मैंने बनाया था, सो इंडिकेटर के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे राउंड में ऑरेंज कलर के एलईडी स्ट्रिप को पेस्ट कर लिया, इसकी वायर यहाँ से निकाल दी है। ये वाला प्रोसेस सेम इसके जैसा था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर इसका सेम ऐसे जैसे हमने इसकी फ्रेमिंग की थी, इसके लिए फ्रेम काट लिया और एमरी पेपर से मैंने इसको रब कर दिया, इस वाले पार्ट को भी रब कर दिया ऊपर की साइड से, ताकि ये रफ हो जाए। जिसमें पहले रिफ्लेक्टर अंदर से क्लियर विजिबल थे, जैसे कि अंदर का पार्ट पूरा क्लियर विजिबल था, वो पार्ट क्लियरली विजिबल ना हो, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा रफ कर दिया, थोड़ा सा और कर देंगे, ताकि अंदर का जो मतलब एरिया है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल ना हो। तो ऐसे आप एमडी पेपर के साथ इसे रब करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे मेरी प्रीवियस लाइट थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे इंडिकेटर है, बीच में एक रिवर्स लाइट का ऑप्शन है, तो उस वाली जो मेरी पुरानी लाइट है उसमें यार ऐसे तरीके से पूरे में नहीं हुई थी एलईडी स्ट्रिपिंग, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे एक लाइन लगी है सिर्फ एलईडी की, उसमें मैंने
सात आठ राउंड लगाए थे, और ना इसके फ्रेमिंग के पीछे मैंने एक और फ्रेम बनाया था, लाइक ऐसे अगर उसकी लाइट एल में थी ना, ऐसे एल बनाया था पीछे, और अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें मैंने छोटी छोटी एलईडी स्ट्रिप्स को फिट किया था। लाइक मैंने इसके पीछे एल बनाया और एल शेप में एलईडी स्ट्रिप को कट किया, फिर इसके ऊपर पेस्ट किया, फिर एक और साइड में ऐसे वॉल बनाई, ऐसे वॉल पूरा ऐसे एल बनाया, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप को पेस्ट किया। तो उसमें क्या होता है कि कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और आपके एलईडीज भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। ये वाली स्ट्रिप कम से कम 7-8 लग गई थी, और उसमें क्या है कि जो थोड़ी सी लाइफ है और जो लाइट की क्वालिटी है, लाइक ये वाली जो लाइट है रात को जैसे हम ग्लो कहते हैं, वो ग्लो थोड़ा डार्कर आता है। बट इस बार हमने क्या किया, सेम चीज़ को डार्कर रखने के लिए कि मैंने शीट को लाइट ले लिया। पहले जो हमारी शीट थी काफ़ी थिक थी और काफ़ी मोटी थी, तो इस बार हमने पतली शीट ली है। और इस बार हम क्या करेंगे, जो एलईडी है ना ये इंडिकेटर में, इंडिकेटर के साथ यहाँ पे बल्ब भी इंस्टॉल करेंगे ताकि इस रिफ्लेक्टर्स के थ्रू पूरा आपको अच्छे से डार्क ग्लो आए। और सेम इसके अंदर हमने रिफ्लेक्टर्स को वाइट रखा है, मतलब सिल्वर रखा है, तो पुरानी वाली जो मैंने लाइट्स बनाई थी उसमें मैंने ब्लैक कर दिया था। तो अभी इसको भी पेस्ट करते हैं। तो उस और इस लाइट में इतना सा डिफरेंस है कि उसका बनाने का तरीका अलग था, उसमें जो वर्किंग थी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने इसको इसलिए ईजी रखा है कि आप लोग भी घर पर ईजिली बना सकें। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उसमें थोड़ी सी एलईडीज ज़्यादा कंज्यूम हुई थी और ना एक स्ट्रक्चर वाइज हुआ था। लाइक अगर मुझे यहाँ पे एल बनाना है तो भी मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया, इसके ऊपर कटिंग करूँगा, बट उसमें क्या था कि एलईडी ही एल की शेप में पेस्ट हुई थी। तो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट किया है ताकि ईजी हो सके और हर कोई इसको घर पर ट्राई कर सके। सो भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे आप लोग सुनते हैं लेज़र कटिंग से पूरा फ्रेम कटता है, उस वाली में उस तरीके से मैंने करा था, बट लेज़र कटिंग नहीं कराई थी मैंने, हाथ से काटा था उसमें भी सब कुछ, बट हाँ थोड़ा सा अलग प्रोसेस था। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमने इस पे पेस्टिंग कर दी है, पेस्टिंग हो चुकी है। अब हमने क्या लिया है कि विनाइल शीट ले लिए, देख सकते हो विनाइल शीट ले लिए। तो विनाइल शीट को हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंडिकेटर को पेस्ट कर देंगे पूरा, ठीक है, और फिर ये वाला एक को भी हम प्लेस कर देंगे। तो इस पे हम लगाते हैं विनाइल शीट पहले। अपनी मैंने टेपिंग वगैरह मास्किंग कर दी है जिससे हम इसमें अब शेप्स बनाएंगे, कटआउट निकालेंगे। तो अब पूरा ये हो चुका है, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे DRL, ये ब्रेक लाइट, यहाँ पे हम अपना रिवर्स का बनाएंगे। रिवर्स का इस बार मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि क्या होता था गाइस, जैसे रात को कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा है या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं है, तो जब मैं खुद रिवर्स करता था तो मुझे पीछे का ना बहुत कम दिखता था, क्योंकि इतने से पार्ट में कितनी ही रोशनी मिलेगी। तो इसलिए मैंने इस बार इसको छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में होल किए थे, अगर आपको याद हो हमने काफ़ी सारे होल किए पैनल के अंदर, एक ये वाला होल और एक ये वाला होल, ठीक है। तो इसको हम ना बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, लाइक इसमें ना हम अपनी ये ग्लू गन से थोड़ा सा ना ग्लू डाल देंगे जिससे इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। अगर मॉइस्चर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और दिक्कत क्या होगी कि अपनी एलईडीज में मॉइस्चर आने की वजह से फ्यूज़ हो जाएंगी, और अगर डस्ट जाएगा तो फिर क्लैरिटी नहीं रहेगी इतनी। तो अभी ये इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको सिंपली हम यहाँ पे ग्लू गन से ग्लू भर देंगे। और अब इसकी जो हमें कटिंग करनी है ना, कटआउट निकालेंगे। कटआउट निकालने से पहले हमें क्या करना है कि अपनी लाइट को ग्लो कर लेना है। ग्लो करना इसलिए कि जहाँ जहाँ पे हमारा मार्क मतलब कटिंग चलेगी तो हमें पता चलता जाए कि यार यहाँ पे सही है या नहीं है, निशान जो बने हुए परफेक्टली कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो अभी मैं इसको हल्का सा पेस्ट कर लेता हूँ वायर को ताकि ये ग्लो ही करता रहे। एक मिस्टेक हो गई, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था अपना और मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई बीच में, और मुझे पता नहीं चला, मैंने पूरी कटिंग कर दी और लास्ट में फुटेज मिली ही नहीं मुझे, तो उसके लिए मैं माफ चाहूँगा। बट मैं आपको बताता हूँ, तो लास्ट हमारी जो आप क्लिप देख रहे थे उसमें मैं एक सेलो टेप लेनी थी, सेलो टेप से मैं मास्किंग करनी थी। लाइक ये देख सकते हैं मैंने पूरे में सेलो टेप लगाई हुई है। सेलो टेप लगाने का रीज़न क्या है, जितनी मुझे कटिंग करनी है उसकी विड्थ इतनी है, लाइक जो मेरी लाइन्स है देखो वो सेलो टेप जितनी ही चौड़ी है, तो इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया। अगर आपको जितना मोटा पैटर्न बनाना है उतनी मोटी आप टेप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे मेरे को एक डिज़ाइन मिलेगी कितना मुझे कटिंग करनी है, ये वाला जो अंदर का हिस्सा है दोनों कट करने हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक आयरन स्केल लिया और अपने कटर की मदद से आयरन स्केल रखा लाइन पर, ऐसे कटिंग कर दी। तो इधर मैंने दो बार सेलो टेप को यूज़ किया था, लाइक एक बार ऐसे लंबी लाइन इतना वाइट और एक, तो देखो दो
हिसाब से मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाया था सेलो टेप से, फिर उसके बाद कट कर लिया था, तो उसके आपको एक रफली आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये मेरा पैटर्न बनेगा, और ताकि आपकी लाइनिंग बिल्कुल स्मूथ बने, बिल्कुल शार्प एजेस बने, तो इसलिए मैंने सेलो टेप पे यूज़ किया था। कोई सी भी टेप मास्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा के फिर कटआउट निकाल सकते हैं कि हाँ इस वाले पार्ट को मुझे ग्लो में दिखाना है। तो लाइट हो चुकी है यार, अभी ग्लो ग्लो करके दिखाता हूँ, ऊपर का पार्ट पेंडिंग, बट आपको ग्लो करके दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा आ रहा है। तो यार वीडियो जो नई शूट हो पाई इसके लिए माफी चाहूँगा, कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी, बट आपको ऐसा कुछ लास्ट में फिनिशिंग मिलेगी देखने को। कुछ इस तरह का आपका लुक आएगा, नाइट का भी ये वाला फिनिशिंग होएगी जैसे कि मैंने आपको बताया, बट अगर हम इसको हाइड कर दें तो इस तरह के कुछ आपके एल बनेंगे, 3-4 L आप बना सकते हैं जितना आपका मन करे। अब इसमें हम स्मोक भी कराएंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कराएंगे रेड पैनल को। ये हमारी ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट कुछ इस तरह की लगेंगी, और ये हमारा इंडिकेटर है। तो ये जब इसको हम गाड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ग्लो होएगा और बंद होएगा, तो ओवरऑल कुछ लाइट इस तरह की दिखेगी आपको रात को, जो कि काफ़ी क्लासी लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊँ इसको डार्क करके, तो कुछ इस तरह से आपकी ओवरऑल लाइट की लुक आएगी, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है गाड़ी में। आप गाड़ी में भी मैं कुछ टाइम बाद लगा के दिखाऊँ, क्योंकि अभी एक साइड की गाड़ी की लाइट बनी है, मेरी गाड़ी में ऑलरेडी जो पुराना डिज़ाइन है वो लगा हुआ है, तो ओबियसली बात है मैं एक और एक लाइट लेके आऊँगा, उसको बनाऊँगा वापस से सेम ऐसा, और इसको लगाऊंगा। जो पुरानी वाली लाइट्स हैं उसको मैं गिव अवे कर दूंगा कोई भी भाई जो इंटरेस्टेड हो लाइट्स लेने में। थोड़ी सी उनकी कंडीशन ख़राब होगी बिकॉज वो पुरानी भी हो चुकी हैं और उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट मैंने करे थे, बट हाँ ये है कि वर्किंग कंडीशन में। तो किसी भी भाई को लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, मतलब दूसरी साइड का पैनल भी, ये राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड की भी बन जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM और अपने चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। ये सिर्फ अभी बैक लाइट है, अभी हम हेडलाइट भी मॉडिफाई करेंगे अपनी गाड़ी की, इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं, बट अपने चैनल का एक रूल है कि जो भी मॉडिफिकेशन होगी मोस्टली वो होममेड मॉडिफिकेशन होंगी और बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन होगी, जो आफ्टर मार्केट आपको पार्ट्स मिलते हैं उससे प्रीमियम बट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्राइस पे हम घर पे ही मॉडिफिकेशन करेंगे। तो प्लीज़ डू कमेंट गाइज कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।